नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इंडियन रोजगार यूट्यूब चैनल में। दोस्तों फाइनली जो है हरियाणा सरकार ने कल रख भर्ती जो है निकाल दी है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इस वीडियो में आपको सारी जानकारी बताऊंगा, क्या क्या एज लिमिट रखी गई है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है, कब से आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे, सारी महत्वपूर्ण बातें आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो लास्ट तक ये वीडियो देखते रहिएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसमें देखिए दोस्तों आपकी जो स्टार्टिंग डेट है, डेट ऑफ पब्लिकेशन है, आज ये पब्लिश हुआ है 20/6/2019 आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहां पर ओपनिंग डेट की बात करें तो 24 जून से आप इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। लास्ट डेट यहां पर रखी गई है दोस्तों 8 जुलाई तक आप इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। उसके बाद यहां पर क्लोजिंग डेट रखी गई है दोस्तों फीस की 11/7/2019। उसके बाद दोस्तों यहां पर अगर हम बात करें और डिटेल की तो कुल यहां पर दोस्तों आप पोस्ट दे सकते हैं 4,858 पोस्ट यहां पर जो है कुल रखी गई है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें कि कौन कौन सी कैटेगरी में कितनी कितनी पोस्ट आती है तो यहां पर आप देख सकते हैं जनरल में कुल दोस्तों 2,354 पोस्ट हैं, जिसमें से नॉन एक्स सर्विसमैन के लिए 1,929 है, एक्स सर्विसमैन के लिए दोस्तों यहां पर 348 पोस्ट रखी गई हैं। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें यहां पर इसी प्रकार एससी की दे रखी है, बीसी ए की, बीसी बी की, EWS की दोस्तों 371 पोस्ट जो है यहाँ पर रखी गई हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ अलग से भी पोस्ट दी हुई हैं कि फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए कितनी कितनी पोस्ट जो है रखी गई हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों क्वालिफिकेशन की, तो दोस्तों यहाँ पर ये जो पोस्ट हैं ये केवल और केवल 12वीं पास के लिए निकाली गई हैं। अगर आपने 12वीं कर रखी है, 10+2 कर रखी है किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी से, साथ ही साथ दोस्तों आपके हिंदी या फिर संस्कृत आपके 10th में थी तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। केवल और केवल 12वीं पास जो है योग्यता रखी गई है, किसी प्रकार का एडिशनल कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। एज दोस्तों वही आपकी 17 से 42 साल रखी गई है। पे स्केल भी दोस्तों सेम है, 5200 से लेकर 20219 आपको ग्रेड पे दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है, एससी एसटी को 5 साल का, बीसी ए और बीसी बी को 3 साल का जो है रिलैक्सेशन दिया जाएगा। बात दोस्तों एप्लीकेशन फीस की, तो यहां पर जो फीस रखी गई है जनरल कैंडिडेट के लिए मेल फीमेल के लिए 100 रुपए रखी गई है, और फीमेल जो कि हरियाणा रेजिडेंट है उनके लिए 50 रुपए फीस रखी गई है। उसके बाद एससी बीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए दोस्तों 25 रुपए मेल के लिए फीस रखी गई है, फीमेल के लिए 13 रुपए फीस रखी गई है। पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी जो है फीस नहीं रखी गई है। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, एग्जामिनेशन और सिलेबस है वो बिल्कुल सेम है, 90 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होगा, और यहां पर 10 मार्क्स जो है सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के दिए जाएंगे। 25% वेटेज दोस्तों पूरे एग्जाम की आपकी हरियाणा जीके की रहने वाली है। एक्सपीरियंस के भी दोस्तों आपको मार्क्स मिलेंगे, जिसमें 1/2 यानी 0.5 मार्क्स जो है यहां पर दिए जाएंगे, किसके लिए, आपके एक्सपीरियंस के लिए। उसी प्रकार दोस्तों जिसके घर में नौकरी नहीं है उसको भी जो है 5% या 5 मार्क्स जो है यहाँ पर दिए जाएंगे। तो ये था दोस्तों सारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके जरूर से अपनी राय दीजिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ इंडियन रोजगार पर। जय हिंद, जय भारत।